दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप हाइड्रोलिक जो गियर मॉडल जो हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर डबल डाई आता है उसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ, वो किस प्रकार से वर्क करती है और लाइव डेमो जो है आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इसके बारे में बताऊंगा। प्राइस भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये मशीन जो है ये मशीन एक मुजफ्फरपुर के एक पता ही जगह है, उस जगह ये लगी हुई है। मैं इस जगह का फुल एड्रेस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये जो है जिस कस्टमर का है उनका परमिशन नहीं है कि मैं एड्रेस दूँ। मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि इस मशीन में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और इस मशीन का प्राइस क्या है। तो ये मशीन जो है ये सिंगल सिलेंडर डबल डाई है, जिससे इस मशीन में छोटा अगर डोना बनाना है जैसे 5 इंची 6 इंची 7 इंची का अगर डोना बनाना है तो इस प्रकार से एक बार में 2 पीस या एक बार में 4 पीस डोना बना सकते हैं। वहीं अगर थाली बनाना है तो थाली एक बार में केवल 2 ही पीस बना सकते हैं। जैसे कि 2 पीस कैसे बनेगा, आप लोगों का सवाल होगा कि भाई हमको तो दिख रहा है कि मशीन में डाई एक ही पीस लगा हुआ है तो 2 पीस कैसे बनेगा। तो 2 पीस इस प्रकार से बनेगा कि पीछे से जो है एक रोल के ऊपर दूसरा रोल जो है लग के आएगा और दोनों एक बराबर से डाई के पास आएगा और डाई जब प्रेस करेगा तो डबल जब पेपर डबल रहेगा तो प्लेट भी डबल निकलेगा। तो इसमें एक बार में बड़ा आइटम 2 पीस और छोटा आइटम 4 पीस बन जाएगा, ये आप समझिए। उसके बाद इसमें बिजली कौन सी लगेगी, तो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी जो है लगा हुआ है, जो कि अगर किलोवाट में बताते कि कितना किलोवाट का बिजली लेना होगा तो कम से कम आपको 2.5 से 3 किलोवाट का इसमें बिजली चाहिए। काहे कि 2 HP का इसमें मोटर है और हीटर है तो लगभग 3 किलोवाट का कम से कम चाहिए। इसमें जो आप बनाने वाली बात है कि इसमें कौन कौन सा प्लेट बनेगा, तो इसमें फैंसी आइटम और जो है फैंसी आइटम भी बनेगा और जनरल आइटम जो आता है जो सिंपल आइटम आता है वो भी बनेगा, फैंसी आइटम जो आता है वो भी बनेगा। अब आपका सवाल होगा कि फैंसी आइटम क्या है और सिंपल आइटम क्या है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बारीकी रूप से समझाया हूँ कि फैंसी आइटम क्या है और सिंपल आइटम क्या है और इन दोनों आइटम को बनाने के लिए जो है किस मशीन की आवश्यकता होगी, ये जानकारी मैं उस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अब बात करते हैं इस मशीन पे, तो इस मशीन पे 4 इंच से लेके 16 इंच तक हर वो आइटम आप बना सकते हैं जो कि मार्केट में जो है वो मांग है। साथ ही साथ इसमें 300 GSM वाला जो बफर प्लेट आता है वो बफर प्लेट का भी आप निर्माण आसानी रूप से आप कर सकते हैं इसमें बफर सीट को लगा करके। वही अगर बात की जाए अगर स्लीपर काटने की कि भाई मुझे पेपर प्लेट बिजनेस तो इसमें करना ही है, आगे चल के इसमें हम चप्पल भी कटिंग करें, तो उसके लिए आप 15 से 16 हज़ार रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कीजिएगा। वो एक्स्ट्रा खर्च कहाँ होगा, तो वो होगा पेपर ये चप्पल का 10 पीस डाई खरीदने में, फीता टेबल खरीदने में, ड्रिल ग्राइंडर खरीदने में। तो वो सब चीज़ अगर खरीद लीजिएगा तो इस मशीन के माध्यम से स्लीपर को कटिंग करके और हवाई चप्पल का भी निर्माण जो है इस मशीन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका दो काम हो गया, दो बिजनेस हो गया। फर्स्ट बिजनेस हो गया आपका कि इसमें पेपर प्लेट का सारा आइटम होगा यानी पेपर प्लेट बिजनेस। सेकंड हो गया कि चप्पल, हवाई चप्पल का जितना भी आइटम है वो बन गया, तो चप्पल बिजनेस हो गया। अब प्राइस जानना है आपको, तो इस मशीन का जो प्राइस है वो अगर आप चैन मॉडल में इसको परचेज करते हैं तो चैन मॉडल में 80 से लेकर 90 हज़ार रुपये के रेंज में आएगा। वही अगर इसे गियर मॉडल में परचेज करते हैं तो गियर मोटर में आपको 90 से लेकर 95 हज़ार के रेंज में आ जाएगा। आपका सवाल होगा कि ये मशीन और मटेरियल अगर हमें देखना है तो कहाँ जा सकते हैं, तो आप चैनल देख रहे हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिशियल, और इसी कंपनी के माध्यम से इस मशीन को वहाँ लगाया गया है और ये मशीन चल रही है। तो आप इस कंपनी में विजिट कर सकते हैं, यहाँ कंपनी के डेमो सेशन में भी इस मशीन को लगाया गया है जिस मशीन को आप जा के चला के देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
उसके बाद मैं प्राइज बता दिया हूँ, उस हिसाब से अगर इसमें कुछ चेंजेज करवाइएगा तो प्राइज बढ़ेगा, और लो मॉडल में लीजिएगा तो प्राइज घटेगा। तो प्राइज फिक्स नहीं रहता है, वो बनावटी के ऊपर निर्भर करता है। बाकी कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको क्रेंक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, पेपर लेमिनेशन मशीन, सीट कटर, सर्कल कटर मशीन और रॉ मटेरियल का जो है प्रावधान है। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, एड्रेस लोकेशन लीजिए और वहाँ विजिट करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।